यहाँ तो आग लग गई है भाई बहुत ज्यादा ही। शिट यार, किसी बेवकूफ ने पता है पीछे ना सूखा था गार्डन, वहां पर किसी ने आग लगा दी, तो ये पूरे ने आग पकड़ ली सी। बहुत ज्यादा फायर हो गया यार, देखो घर के पास में जस्ट। ऐसे बेवकूफ लोगों से सावधान रहे। तो गाइस वहां पर लगाई थी सुबह सुबह आग किसी बेवकूफ ने, जो वहां से सीधा सीधा यहाँ तक पहुंच गई है। और नीचे अगर कोई गैस लाइन वगैरह हो तो फिर सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। फायर ब्रिगेड आ चुकी है। वो तो अच्छा वहां पर कोई है नहीं, खाली प्लॉट है, इसलिए अदरवाइज बड़ी हो सकती है चीजें यार, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दो दो फायर ब्रिगेड आ गई है, कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। ये बिल्डिंग की वजह से आपको पीछे दिख नहीं रहा होगा, पर लेकिन बहुत ज्यादा आग है। धुआं देखो, सच में बहुत सही टाइम पे आ गई फायर ब्रिगेड। तो एक्चुअली पापा पुलिस में है तो उन्होंने कॉल कर दिया, और प्लस फिर हमारे जो पड़ोसी हैं जो तुरंत चले गए वहां पर फायर स्टेशन। एंड सी विमेन स्टाफ है, इतनी फुर्ती से काम किया ना उन्होंने, फटाफट निकल के ऐसे भाग के फटाफट पाइप पकड़ के। बहुत तगड़ी एनर्जी, बहुत तगड़ी एनर्जी भाई, इम्प्रेस हो गया मैं। ये बहुत हॉरर था, बहुत हॉरर था, मतलब जस्ट यहाँ पे आ गई थी आग। यस, ये जो देख रहे हो ये थर्ड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर के ऊपर तक जा रही थी फ्लेम। तो सोच लो क्या टेम्परेचर बना होगा, और ऐसी गर्मी में वो जानलेवा, मतलब पूछो मत। फाइनली लड़कियों ने क्या जबरदस्त काम किया है यार, एकदम तुरंत, पता है उन्होंने टाइम भी नहीं लिया। ये हमारे पड़ोसी में अफरा तफरी देख लो भाई, आग लगी है तो मेरे घर तक भी आया पूरा कचरा। कितना भयंकर माहौल था, मतलब यहाँ पर सोच लो अब तुम। अच्छी बात है टाइम रहते कंट्रोल हो गया और कोई हानि नहीं पहुंची। संवाददाता रानी मीणा के साथ। खैर अब तो सीरियस नहीं है माहौल, अब तो नॉर्मल है। तो देखो अब फाइनली माहौल थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है ना, बट स्टिल वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पानी डाले जा रहे कंटिन्यू, पर ध्यान रखो भाई। मैं तो क्या कहूं, मतलब ये एक छोटी सी गलती है एक्चुअली, क्योंकि सुबह किसी ने आग लगाई थी और हम लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और ये आग इतनी बड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि हमें लगा किसी ने कचरा जलाया है, इट्स ओके, पर ये हो गया फिर लास्ट में। तो अगर आपके आसपास भी, तो मतलब बी केयरफुल सीरियसली, फायर को लेके तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ना सबसे पहले जो सबसे बेटर रहता है काम, वो है पुलिस को कॉल करो। बिकॉज हमने किया कंट्रोल रूम में कॉल, पापा पुलिस में है सो ऑब्वियसली हमारे पास उसका नंबर था, पर कंट्रोल पुलिस वाला जो नंबर होता है ना, वो सब लोग अपने फोन में स्पीड कर लो, ताकि कभी भी इमरजेंसी आ जाए कि किसी का भी कोई कॉन्टेक्ट करना है। जैसे अभी फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं था हमारे पास, तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम पे करा, कंट्रोल रूम ने फायर ब्रिगेड पे, फिर उसके बाद जाके ये जल्दी आए। और पुलिस करती है कॉल तो थोड़ा ज्यादा वो फर्क भी पड़ता है ना, इसलिए। फाइनली अब हो गया फायर ब्रिगेड का काम पूरा, बुझा दी इन्होंने आग। वैसे भी आग लगाने वालों की संख्या ज्यादा है, बुझाने वालों की कम ही है। ठीक है भाई, किसी पर्सन को तो कोई हार्म नहीं हुआ है, पर मैं सोच रहा हूँ जानवरों का जो वहां पर रहते हैं मोस्टली, तो आई होप वो लोग सेफ हो। फाइनली रानी मेड़ा का मेकअप इज डन। इस सवाल के लिए इसने, मैंने इससे एक सवाल पूछने के लिए कहा, इसने कहा रुक जा पहले मेरे को कुछ काम कर लेने दे, और फिर ये मेकअप करके आइए। इतना अच्छा भी तो लग रहा, थोपड़ा अच्छा होना चाहिए उसके लिए। खैर जो भी है, सो किससे मरना चाहोगी, आग से या पानी से? अरे तू किससे मरना चाहेगी, मतलब क्या क्या ज्यादा बुरा है, आग या पानी? अरे अरे हो तेरे कॉमन सा क्वेश्चन है भाई, आग या पानी मैं बोल जाना चाहूंगी। अरे बोल ले, बताना आग या पानी ऑप्शन। कुछ और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बात बता। ये चीज मैं व्लॉग में डालूंगा, तो व्लॉग वाले ये देखना चाहेंगे कि कितनी देर तक इसने तामझाम करा। हाँ, उनको आंसर से मतलब है, तू है भाई, वो एक मिनट तक यही देखते रहेंगे, नहीं हाँ पानी से क्यों, सुंदर मरूंगी एटलीस्ट, जल के लिए मरूंगी। अरे क्या बेवकूफ लोग हैं, फूल के गुप्पा हो जाएगी, पता है ना। हाँ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना, मोटी मरूंगी। जा, इससे ज्यादा क्या ही मोटी होगी तू। खैर सुन मेरी बात है ना, अरे क्यों नहीं आऊं मैं पीछे। अब सुनना, जो आग है ना, मैं भी पानी से मरना चाहूंगा, पर मेरा रीजन ये है क्योंकि आग से पहले हीट लगेगी तो जलन होएगी, फिर दर्द होएगा, फिर स्किन बर्न होएगी, है ना, और वो दाह संस्कार वाली फीलिंग आएगी। पानी में क्या है, पानी में तो बस, हाँ पानी में तो क्या है, बस फूल गए, सांस नहीं आई, चौक हो गए, मर गए, खत्म। उसमें दर्द थोड़ी होता है ना, यही पॉइंट है मेरा बस। तो भाई 5 मिनट तड़पेंगे, मतलब हाँ यस, तो भाई पानी तो दोनों ही नहीं चाहिए।
तो भाई कोई समझ तो पानी दूर हुई से, तो पानी से मारूंगा मैं पानी से मारूंगा मैं को देख रहे ब्लॉग में देखा अच्छे से रहा करो वरना ऐसे डाल दूंगा मैं यार मम्मी अब जो भी है काम है मेरा गंदा है पर धंधा है वर्ल्ड फेमस डांस ये अलग मजे ले रहा है बहुत सारे पक्षियों का घर था इसमें जो आज जल गया देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी फायर सुबह सुबह किसी ने गेट के यहाँ पर लगा दी थी आग तो इसकी वजह से ये पूरा यहाँ से चालू हुआ और फिर पीछे दिखाता हूँ मैं पीछे का सीन भी तो देखो ये इलाका है यहाँ चाय सिगरेट पीने आते हैं लोग लड़के लड़कियाँ सब और मम्मी उनको जज करती है तो मेरी माता को वो थड़ी वाला जो रोड है मैंने अभी दिखाया जहाँ पे चाय सिगरेट पीते हैं सब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वहाँ पर क्या उन्होंने छोटे से वो बना रखे हैं नेस्टी मान लो घोंसले जिसमें अंदर जाके सिगरेट पी सकते हो तो आइडेंटिटी छुप जाती है और मम्मी फिर भी अंदर घुस के देख ही लेती है कि कौन है रहा नहीं जाता इनसे सच में मैंने लास्ट टाइम तो यहाँ पे ना मतलब कुछ 11-12 साल का लड़का होगा उसे सिगरेट पीते हुए देखा तब तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता अब मैंने लड़कियां देखी 25-25 साल की तो मैंने बोला कि किसी के घर फूकेगी ये लड़कियां अरे 25 साल की तो फिर भी बड़ी है उनका तो घर बस गया होगा बाकी 15-15 साल की देख रहा हूँ मैं तो ये तो किसी के घर फूकेगी जाके अब बड़े लोग तो ऐसी बातें करते हैं यार ये हाल हुआ है सारे पक्षी परेशान है उनके घरों को हुआ क्या है और ये इधर इतने पास में क्वार्टर है तो जल और ज्यादा ये सारा कुछ नोटिफिकेशन है भाई जबरदस्त थार यार मम्मी थार चाहिए थी ये जो पीछे रोड देख रहे हो ना यहाँ पे पूरे दुनिया जहाँ के सारे फोटोग्राफर सब लोग आते सब लोग जिन्होंने भी कुछ नई गाड़ी वाड़ी ले ली है सब लास्ट टाइम जो मैंने देखा था वो ये था कि 5-6 लोंडे आए थे अलग अलग शर्ट्स वगैरह पहन के एक बाइक खड़ी है उसके साथ वो फोटो खिंचा रहे और बार बार एक बंदा सबकी शर्ट उतरवा रहा है लाइन वाइज और वो पहन पहन के फिर फोटो खिंचवा रहा है वो तो वो जो होते ना इंस्टाग्राम पे तुम पोस्ट देखते हो कि जो मुझसे टकराएगा 9 महीने पछताएगा वो वाले मुझे तो मैच देखने दो ये बार बार इसके ब्रेक में देखना पड़ रहा है मुझे ना आप देख पाओगे ठीक से ना मैं देख पाऊंगा ठीक से एक जना एंजॉय करे ना लगाओ मैच मैगी और रोटी ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई हाँ ये कौन सा तरीका है दिस इज गुड अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप मैगी बना के उसको रोटी के साथ खा सकते हैं शाबाश कुछ भी हाँ मेरे घर वालों को देखो कुछ भी पसंद नहीं ना मेरा खाली बैठ के मैच देखना एंजॉय करना पसंद ही नहीं है मेरा दुश्मन है ये मेरे ऐसा काम दिया है इन्होंने ये हाँ यार बादाम और इसको अलग करना है मेरे को मूंगफली को चलती 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 लो यार कर ही रहे हो तो धो दो क्या है यही मजे है मम्मी जिंदगी के बस वक्त जिंदगी क्या है वक्त का है टाइमिंग होनी चाहिए जिंदगी में है ना देखा खुद होते तो खुद भी यही करते तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं एंड और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं और ये देखो पीछे गाना चल रहा है ये वाला अंजलि वो वाला गाना एंड आज के ब्लॉग से जो शिक्षा मिलती है अपन को वो ये है कि किसी जगह पर या किसी के जीवन में आग लगाए तो ध्यान रखें वो आग बड़ी बन सकती है और कंट्रोल रूम पर फोन करने से पहले खुद पर कंट्रोल पाए फिर उसके बाद कंट्रोल रूम पर कॉल करके बताएं सिचुएशन बाकी ध्यान रखें अपना और रानी मैडम कुछ कहना चाहती है उल्टे पुल्टे एक्सप्रेशन देने के अलावा गुड नाइट हाँ जी हाँ जी चलो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टाटा बाय बाय